अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, और देखिए किस तरह से उद्घाटन सैनिक स्कूल का कर रही हैं डिप्टी सीएम दिया कुमारी, नजर आ रही है उनके साथ में भारतीय जनता पार्टी की जो दिग्गज है वो नजर आ रही है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इस सैनिक स्कूल का उद्घाटन। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा, उनका विजन, और उस विजन को साकार करने पहुंच रही हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। गुलाबी शहर में पहुंच रही हैं, गुलाबी शहर के अंदर नवस्थापित सैनिक स्कूल का उद्घाटन का समारोह, तो बेहद खास ये तस्वीरें। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की भी मौजूदगी, भवानी निकेतन शिक्षा समिति द्वारा संचालित स्कूल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर पहुंची हैं और उसका उद्घाटन कर रही हैं। डिप्टी सीएम दिया कुमारी की मौजूदगी, कार्यक्रम की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी कर रही हैं, सैनिक कल्याण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की भी मौजूदगी है। सीकर रोड स्थित भवानी निकेतन शिक्षा समिति द्वारा संचालित स्कूल प्रधानमंत्री मोदी की मंशा के अनुरूप देश में 100 नए सैनिक स्कूल की शुरुआत यहां पर होनी है। इसके साथ ही पौधारोपण भी यहां पर उन्होंने किया, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण की भी बात लगातार करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक पेड़ मां के नाम वो अभियान भी एक तरफ, और कहीं ना कहीं जो पर्यावरण की आज स्थिति है उसको समझते हुए यहां पर पौधारोपण भी, तो कुछ इस तरह से उद्घाटन यहां पर, तो बेहद खास तस्वीरें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यहां पे पौधारोपण भी किया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया न्यूज की टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उनका जो विजन है उस विजन को कहीं ना कहीं साकार करते हुए नजर आ रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। चलिए अधिक जानकारी लेंगे सहयोगी दिनेश कसाना का रुख करते हैं। दिनेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन और उनकी मंशा, उसी के अनुरूप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा यहां पर उद्घाटन किया जा रहा है। इसके अलावा आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कि क्या कुछ खास ये इस कार्यक्रम और किस तरह से कार्यक्रम की आगे की कड़ियां रहने वाली है। देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भवानी निकेतन परिसर में पहुंच गए हैं और फिलहाल सैनिक स्कूल परिसर में यहाँ पर वृक्षारोपण उनकी ओर से किया जा रहा है। दिया कुमारी मुख्यमंत्री वो भी उनके साथ मौजूद है और कुछ ही देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है वो मंच पर पहुंचेंगे। और चूंकि मुख्य कार्यक्रम जो है वो सैनिक स्कूल के उद्घाटन का आज रखा गया है, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुंचे हैं और कार्यक्रम में फिलहाल मंच पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़, राजेंद्र राठौड़ पूर्व मंत्री है, पूर्व सांसद रामचरण बोरा है, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर है, सांसद मंजू शर्मा है और तमाम नेता हैं वो मंच पर पहुंच चुके हैं। और जैसे ही वृक्षारोपण और उसके बाद राजनाथ सिंह है वो मंच पर पहुंचेंगे तो बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। आज सैनिक स्कूल भवन का उद्घाटन यहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हाथों किया जाएगा और ये लंबे समय से सैनिक स्कूल की डिमांड जयपुर में थी और जो भवानी निकेतन शिक्षा समिति के अंतर्गत एक MOU रक्षा मंत्रालय की ओर से किया गया और सैनिक स्कूल का संचालन भवानी निकेतन के समिति के अंतर्गत संचालित किया गया है और इसी का उद्घाटन आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। लंबे समय से इस बात की डिमांड थी, पिछली मोदी सरकार में इसकी घोषणा की गई थी और इसके बाद जो पिछला सत्र है उसमें सैनिक स्कूल का संचालन भी शुरू यहाँ पर हो गया है। आज इसका उद्घाटन जो भवन बनाया गया है सैनिक स्कूल का उसका उद्घाटन यहाँ पर रक्षा मंत्री करेंगे तो एक बड़ी सौगात कह सकते हैं सैनिक स्कूल की, जिसकी आज राजनाथ सिंह के हाथों है वो यहाँ पर होगी। तो कुछ ही देर में मंच पर राजनाथ सिंह पहुंचेंगे। फिलहाल वृक्षारोपण का कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। राजनाथ सिंह अपने हाथों यहाँ पर वृक्ष लगाकर आज संचालित किए जाते हैं। बिल्कुल दिनेश, देख भी पा रहे हैं कि किस तरह से पूरा कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर चल रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दर्शकों तक हम पहुंचा रही हैं क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी यहाँ पे। और दिनेश, जिस तरह से हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि यहाँ पे वृक्षारोपण, पौधारोपण और ये एक संदेश पर्यावरण को लेकर भी, तो दो संदेश यहाँ पर कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है उसे आगे लेकर जाना है और दूसरा संदेश ये कि जिस तरह से आज पर्यावरण की स्थिति है, हम देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा बढ़ रही है और किस तरह से पॉल्यूशन जैसी स्थिति यहाँ पर सामने आती है, तो ऐसे में वृक्षारोपण और पौधारोपण करके पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश यहाँ पे दिया जा रहा है। दिनेश,
देखिए एक मैसेज है, जिस तरह से प्रधानमंत्री की ओर से एक अभियान भी शुरू किया गया वृक्षारोपण को लेकर पर्यावरण की दृष्टि से, एक पेड़ माँ के नाम, और पूरे देश भर में करोड़ों वृक्षारोपण इस अभियान के तहत हुए हैं। आज भी जैसे ही राजनाथ सिंह यहाँ भवानी निकेतन शिक्षा समिति परिसर में पहुंचे हैं, वैसे ही पहला जो कार्यक्रम उनका है वो वृक्षारोपण का यहाँ पर हुआ है, और इसके जरिए भी वृक्षारोपण के जरिए जो पर्यावरण बचाने का जो एक मैसेज प्रधानमंत्री की ओर से अभियान एक पेड़ माँ के नाम अभियान के जरिए दिया गया था, आज भी इस कार्यक्रम के जरिए पहला जो कार्यक्रम हुआ है वो वृक्षारोपण का हुआ है। कुछ ही देर में वो यहाँ पर मंच पर पहुंचेंगे और उसके बाद मुख्य जो समारोह है आज सैनिक स्कूल के उद्घाटन का वो शुरू होगा। इससे पहले एयरपोर्ट पर भी बीजेपी के नेताओं की ओर से उनकी यहाँ पर स्वागत सम्मान किया गया। इसके अलावा राजपूत समाज के जो गणमान्य हैं या फिर पूर्व सैनिक हैं वो भी बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में मौजूद है। इसके अलावा राज परिवार से, रॉयल फैमिली से जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जो राज परिवार से खुद आती हैं और सरकार में उप मुख्यमंत्री भी हैं, तो देखिए राजनाथ सिंह का जो काफिला है वो मुख्य समारोह की ओर पहुंच गया है, और जो स्कूली छात्र हैं, छात्राएं हैं जो भवानी निकेतन शिक्षा समिति की ओर से, वो यहाँ पर उनका अभिवादन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। परेड भी उनके यहाँ पर एनसीसी की जो टीमें हैं उनकी ओर से यहाँ पर उनके सम्मान में, उनके स्वागत में यहाँ पर परेड सलामी दी जाएगी, और बुके देकर राजनाथ सिंह का स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है शिक्षा समिति, भवानी निकेतन शिक्षा समिति की ओर से। और कुछ ही देर में मंच की और वो बढ़ रहे हैं, कुछ ही देर में मंच पर पहुंचेंगे और मुख्य जो कार्यक्रम है आज का सैनिक स्कूल के उद्घाटन का ये कार्यक्रम शुरू होगा। बिल्कुल, कुछ ही देर में देखिए जो कार्यक्रम है उसकी यहाँ पे किस तरह से शुरुआत होगी। अगर बात करें दिनेश, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के संबोधन की, तो क्या उनका संबोधन का भी कार्यक्रम है, और एक बार इसको लेकर भी जानकारी जरा दीजिए कि मंच पे किस किस की मौजूदगी, कि कुछ लोगों को तो हम देख पा रहे हैं लेकिन और किस किस की मौजूदगी। देखिए उद्घाटन कार्यक्रम में यहाँ पर संबोधन भी उनका होगा, सबसे पहले कार्यक्रम में यहाँ पर सैनिक स्कूल का उद्घाटन करेंगे, और इसके बाद मुख्यमंत्री दिया कुमारी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं वो यहाँ पर, उन दोनों का संबोधन भी होगा। मंच पर और भी बहुत सारे नेता हैं वो मंच पर मौजूद है, कैबिनेट मंत्री है राज्यवर्धन सिंह राठौड़, उद्योग मंत्री है वो भी मंच पर मौजूद है, इसके अलावा जयपुर शहर से सांसद है मंजू शर्मा वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद है, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर है वो भी यहाँ पर मंच पर मौजूद है, पूर्व मंत्री हैं राजेंद्र राठौड़ हो या फिर पूर्व सांसद है रामचरण बोरा वो भी इस कार्यक्रम में शामिल है। इसके अलावा मुख्य वक्ता जो है वो राजनाथ सिंह आज इस कार्यक्रम के हैं। राजनाथ सिंह के अलावा इस कार्यक्रम की जो अध्यक्षता करेंगी वो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी है, तो कुछ ही देर में मंच पर वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जब राजनाथ सिंह यहाँ पर मंच पर पहुंच रहे हैं, और यहाँ पर भवानी निकेतन शिक्षा समिति की ओर से उनका भव्य स्वागत का कार्यक्रम भी यहाँ पर रखा गया, और अब फिलहाल मंच पर राजनाथ सिंह हैं वो पहुंच गए हैं और अब कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत है वो होने जा रही है। बिल्कुल, तस्वीर हम दिखा भी रहे हैं कि दिनेश किस तरह से मंच पे पहुंच रही हैं और कार्यक्रम की जो विधिवत शुरुआत है वो यहाँ पर रहेगी। उनका संबोधन भी बहुत यहाँ पे खास होने वाला है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मंशा है, उनका जो विजन है, उसका भी वो जिक्र करेंगे क्योंकि एक बड़ा कार्यक्रम है। और अगर देखिए इस कार्यक्रम को समझें और मिनट टू मिनट कार्यक्रम की बात करें तो देखिए दिनेश यहाँ पे संबोधन होगा, तमाम लोग हैं, उनकी मौजूदगी है। अगर वापसी के कार्यक्रम को लेकर बात करें तो यहाँ से कहाँ जाना है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को, वापस दिल्ली की तरफ जाएंगे या फिर कोई और भी कार्यक्रम? तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, मंच पे पहुंच चुकी हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तमाम जो दिग्गज है उनकी मंच पे मौजूदगी, और कुछ ही देर में देखिए विधिवत तरीके से इस कार्यक्रम की शुरुआत यहां पर हो जाएगी। भवानी निकेतन शिक्षा समिति की तरफ से ये कार्यक्रम, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी कार्यक्रम के अंदर मौजूद है। नव स्थापित सैनिक स्कूल का यहाँ पर उद्घाटन उन्होंने किया, जयपुर के दौरे पर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भवानी निकेतन शिक्षा समिति द्वारा यह संचालित कार्यक्रम,
और बेहद खास तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं। तो नव स्थापित सैनिक स्कूल का उद्घाटन यहां पर किया है। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी उन्होंने यहां पर किया और पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए यहां पर एक संदेश उन्होंने दिया कि आज जो पर्यावरण की स्थिति है उसको देखते हुए हम सभी को आगे बढ़कर किस तरह से पौधारोपण करना चाहिए, उसका मैसेज, उसका संदेश यहां पर दिया गया। तो बेहद खास तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तस्वीरें मंच पर मौजूद हैं, सैनिक कल्याण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी मौजूद हैं, भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ भी मौजूद हैं, सहयोगी दिनेश कसाना हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दिनेश, देखिए अगर कार्यक्रम की बात करें तो जानकारी जैसे कि आप दे रहे थे कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंच पे पहुंच चुकी है, और अब कितनी देर और लगेगी इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत में? देखिए, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजनाथ सिंह यहाँ भवन निकेतन परिसर में पहुंच गए हैं और कार्यक्रम फिलहाल मंच पर उनकी मौजूदगी नहीं है, तो कुछ ही देर में वो मंच पर पहुंचेंगे। कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रही है उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, वो मंच पर पहुंच गए हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, वो भी मंच पर पहुंच गए हैं। कार्यक्रम की अब विधिवत शुरुआत होने जा रही है। राजनाथ सिंह जैसे ही मंच पर पहुंचे हैं, तमाम नेताओं ने खड़े होकर उनका स्वागत किया है। राजेंद्र राठौड़ हो या फिर रामचरण बोरा, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, दिया कुमारी और तमाम नेता यहाँ मंच पर मौजूद हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर हैं, सभी नेताओं ने उनका अभिनंदन किया है इससे। और मंच पर पहुंचते ही राजनाथ सिंह ने भी जो पब्लिक सामने है, चाहे रिटायर्ड सैनिक हो या फिर इस कार्यक्रम में शामिल स्टूडेंट हो, सभी का अभिवादन राज्यवर्धन की ओर से किया गया है। और दोनों जो मुख्य अतिथि हैं आज के इस कार्यक्रम के, चाहे राजनाथ सिंह और दिया कुमारी, दोनों का ही इस कार्यक्रम में संबोधन होना है। इससे पहले भवन निकेतन शिक्षा समिति की ओर से उनका स्वागत सम्मान यहाँ पर किया जाएगा और उसके बाद मुख्य जो कार्यक्रम का, इस कार्यक्रम का प्रेजेंटेशन भी रखा जाएगा कि लंबे समय से जो डिमांड थी और कैसे भवानी निकेतन शिक्षा समिति के साथ जो MOU रक्षा मंत्रालय की ओर से सैनिक स्कूल को लेकर किया गया है और कैसे इसका संचालन, क्योंकि संचालन शुरू हो गया है इसी सत्र में इस सैनिक स्कूल का संचालन हुआ है, तो कैसे शिक्षा समिति की ओर से इसका संचालन किया जा रहा है उसका भी एक प्रेजेंटेशन यहाँ पर रक्षा मंत्री के समक्ष रखा जाएगा। और इसके बाद आज के इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो मुख्य जो कार्यक्रम है सैनिक स्कूल के उद्घाटन का, वो यहाँ पर होगा। बिल्कुल दिनेश, और हमने वो तस्वीरें भी देखी थी जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, किस तरह से उनका स्वागत वहां पर किया गया था, और अब कुछ ही देर में स्वागत की तस्वीरें हैं वो भी यहां पर नजर आएंगी क्योंकि तमाम जो दिग्गज है वो यहां पर मौजूद है। और कहीं ना कहीं दिनेश, ये जो कार्यक्रम है बहुत खास हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जो है बात भी करते हैं और ऐसे में एक संदेश हम पौधारोपण को लेकर भी देख पा रहे हैं कि किस तरह से पौधारोपण को लेकर यहाँ पर संदेश। और अब क्या लग रहा है दिनेश, आपको कितनी देर में ये जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा क्योंकि जो तमाम दिग्गज है वो पहुंच चुके हैं, बस अब इंतजार है कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत का? देखिए, कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हो चुकी है। जैसे ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर पहुंचे हैं, उन्होंने सभी का अभिवादन किया है, मंच पर उनका स्वागत का कार्यक्रम है वो शुरू हो गया है। शिक्षा समिति की ओर से साफा पहनाकर उनका स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी है, वो भी यहाँ पर मंच पर मौजूद है और शिक्षा समिति के जो पदाधिकारी हैं उनकी ओर से ये जो स्वागत और सम्मान का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तो मंच की ये सीधी तस्वीर है जहाँ राजनाथ सिंह को साफा पहनाकर उनका स्वागत किया जा रहा है और इस कार्यक्रम के एक तरह से कह सकते हैं कि विधिवत शुरुआत है वो हो गई है। इसके साथ ही शिक्षा समिति की ओर से सैनिक स्कूल के संचालन के संबंध में जो प्रेजेंटेशन है वो भी यहाँ पर रखा जाएगा। राजनाथ सिंह को शिक्षा समिति की ओर से जो संचालन सैनिक स्कूल का किया जा रहा है उससे भी अवगत कराया जाएगा कि कैसे इस सत्र में कितने स्टूडेंट हैं और कैसे इसका संचालन यहाँ पर किया जा रहा है। एक शानदार बिल्डिंग बनकर तैयार हुई है, उसका उद्घाटन की ओर से किया जाएगा। दिया कुमारी का संबंध यहाँ पर जो है वो स्वागत हो रहा है और इसके बाद मंच पर जो तमाम नेता मौजूद है उनका भी यहाँ पर स्वागत सम्मान किया जाएगा और उसके बाद उद्घाटन का कार्यक्रम होगा। राजनाथ सिंह का संबोधन भी होगा, जो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही है दिया कुमारी, उनका भी संबोधन इस कार्यक्रम में होगा।
बिल्कुल। और दिनेश फिलहाल जो तस्वीरें देख पा रहे हैं वो है स्वागत की तस्वीरें, किस तरह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यहाँ पे स्वागत और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का स्वागत और संबोधन की अगर कड़ी को समझे तो पहले संबोधन किसका होगा उसको लेकर भी जरा जानकारी दीजिए, क्योंकि आप लगातार बता रहे हैं कि दिया कुमारी का भी संबोधन है, रक्षा मंत्री का भी संबोधन है, और किस किस का संबोधन यहाँ पर सुनने को मिलेगा? देखिए दोनों कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, राजनाथ सिंह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं और दिया कुमारी अध्यक्षता कर रहे हैं, तो ऐसे में दोनों का ही यहाँ पर संबोधन होगा। लेकिन उससे पहले स्वागत की जो परंपरा है अतिथि देवो भव, उसके अंतर्गत ये कार्यक्रम मंच पर इन अतिथियों का यहाँ पर किया जा रहा है। स्मृति चिन्ह भी भवानी शिक्षा समिति की ओर से यहाँ पर उनको स्मृति चिन्ह देकर भी सम्मानित किया जा रहा है। सबसे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का साफा पहना कर स्वागत किया गया, शॉल ओढ़ाकर दिया कुमारी का यहाँ पर सम्मान किया गया, और उसके बाद चूंकि दो कैबिनेट मंत्री जो यहाँ पर मंच पर मौजूद है, चाहे राजवर्धन सिंह राठौड़ हो या फिर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर है, वो भी मंच पर मौजूद है, सेना के अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर ब्रिगेडियर वो मंच पर मौजूद है, तो उनका भी यहाँ पर सम्मान है वो यहाँ पर किया गया है। श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति के जो पदाधिकारी हैं वो लगातार मंच पर जो गणमान्य अतिथिगण है उनका यहाँ पर। दिनेश एक बार आपको रोकना चाहूंगे क्योंकि वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं दर्शकों को जिसमें हमने देखा है कि कैसे उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने उनका स्वागत किया, एयरपोर्ट की तस्वीरें जैसे ही यहाँ पर आए तो कैसे उनका स्वागत यहाँ पर किया गया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी यहाँ पर पहुंची और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यहाँ पर भव्य स्वागत, तो कुल मिलाकर जैसे ही राजस्थान की धरा और गुलाबी शहर में उन्होंने कदम रखा उसके साथ ही जो स्वागत की तस्वीरें हैं वो नजर आने लगी और फिलहाल कार्यक्रम में मौजूद हैं। लेकिन ये तस्वीरें भी बहुत खास इसलिए हो जाती है क्योंकि जैसे ही राजस्थान की धरा जयपुर शहर के अंदर उन्होंने कदम रखा तो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी खुद उनकी अगवानी करने पहुंची, स्वागत यहाँ पर किया गया, तो बेहद खास तस्वीरें और फिलहाल लाइव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रही है। सहयोगी दिनेश कसाना भी हमारे साथ बने हुए। दिनेश आप बता रहे थे कि किस तरह से संबोधन यहाँ पर होगा, किस तरह से पूरा कार्यक्रम रहने वाला है, मिनट टू मिनट कार्यक्रम आपने हमें समझाया, कितनी देर तक कार्यक्रम चलेगा उसको लेकर भी आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। करीब एक घंटे का यह मुख्य कार्यक्रम बताया जा रहा है जो जिसमें उद्घाटन कार्यक्रम भी होगा, समिति का प्रेजेंटेशन भी होगा। ठीक है दिनेश, आगे भी आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे क्योंकि बहुत खास ये कार्यक्रम है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। और देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं, बहुत खास